सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। उमर, उमर, आपको समझ नहीं आई कि उमर यहाँ नहीं है? दो मिनट में बता दो मुझे कि मेरा बेटा कहाँ है, वरना तुम दोनों को धक्के मार के इस घर से निकाल दूंगी। वो अगर उमर के बहाने जहांगीर को मिलने जाए या उनसे फोन पर बात करें तो वो ठीक है, लेकिन हम बहन भाई रابطے में नहीं रह सकते क्योंकि वो गलत है। शिकायत नहीं कर रही हूँ आपसे, लेकिन उनकी बातें मेरे दिल को काट गई। कहाँ लेके गए थे तुम इसे? मैं तो इसे लेकर ही नहीं आया, साकिब ने मुझे मजबूर किया इसलिए मैं इसे लाया हूँ। अगर नहीं लाते ना तो जान से मार देती मैं तुम्हें। अभी पुलिस स्टेशन से लेकर आए हैं ये उमर को। सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। नहीं रुको रुको जहांगीर, रुको उमर। उमर मुझे बताओ तुमने झूठ क्यों बोला? जाने दे उसे, मैंने तुम्हें नहीं दिए थे पैसे। बताओ मुझे क्यों झूठ बोला तुमने उमर, बताओ मुझे, छोड़ो मुझे। शर्मानी चाहिए तुम दोनों को, किस तरह वो मेरे बेटे को तुम दोनों के सामने ले गया और तुम दोनों मेरे सामने डट के खड़े हो गए, बजाय उसे रोकने के मुझे रोकते रहे, उसकी इतनी हिम्मत? इसलिए कि उमर की ये हरकत नाकाबिले बर्दाश्त थी। आप ही हम उसे वो शायद ना कह सके जो उसका बाप उसे कहेगा। जुल्म करेगा उस पर, मारेगा उसे। वो बाप है उसका, अपने बच्चे के लिए जो बेहतर समझेगा वो करेगा, करने दे उसे। गलत किया, बहुत गलत किया तुम दोनों ने। इतना फखर था मुझे, कितना मान था तुम दोनों भाइयों पर, सब मट्टी में मिला दिया तुम लोगों ने। हाँ मुश्किल से मनाया था मैंने उसे यहाँ रहने के लिए, कैसे जाने दिया तुम लोगों ने, सब बर्बाद कर दिया, सब बर्बाद कर दिया। आपी उमर यहाँ से हमारी वजह से नहीं आपकी वजह से गया है, आपने बिगाड़ा है उसे, और इस वक्त उसे आपके सहारे से ज्यादा अपने बाप के सहारे की जरूरत है। मैं माँ हूँ, उसे मेरी जरूरत है, मुझसे ज्यादा किसी की जरूरत नहीं है। गलत किया, बहुत गलत। चले जाओ यहाँ से, पहले कि मैं भूल जाऊं कि तुम दोनों मेरे वही अजीज भाई हो जिन पे मैं जान दे सकती हूँ। तब आ जाओ मेरी नजरों के सामने से, जाओ। चलो मेरा बच्चा। सच बात तो यही है कि आप ही नहीं संभाल सकती उमर को। शुक्र है वो साहब ज्यादा जख्मी नहीं हुए, मामला जहांगीर भाई ने संभाल लिया, वरना तो पता नहीं क्या क्या हो जाता वहां पर। उमर को यहाँ नहीं जहांगीर भाई के पास ही रहना चाहिए, इस एज में बच्चे माँ के काबू में नहीं आते, माँ बाप के दरमियान अलहदगी और झगड़ों का फायदा भी उठाते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, और आप ही तो खास तौर पर उमर की वजह से ब्लैकमेल हो जाती हैं। ठीक कह रही हो तुम। नहीं खाना मुझे, उठाओ ये खाना और ले जाओ यहाँ से। तुम सब मिले हुए, सब मिले हुए हो, जहांगीर के साथ भी मिले हुए हो। आप ही ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा ऐसा नहीं है तो फिर जहांगीर की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे सामने आकर खड़ा हुआ, मेरे सामने बोला? हाँ मेरे बच्चे को लेके चलता बना हुआ और तुम लोग सब खड़े तमाशाई बन के देखते रहे। अभी उस टाइम सिचुएशन ऐसी थी कि रोकना मुनासिब नहीं था। जहांगीर ने मुझे नीचा दिखाने के लिए मेरे बच्चे में बड़ा चढ़ा के इल्जाम लगाया और तुम सब खड़े सुनते रहे। मेरा बच्चा मासूम है, ऐसा कर ही नहीं सकता। तुम लोग नहीं चाहते ना, तुम लोग नहीं चाहते ना कि वो यहाँ रहे। तुमने भी साकिब को पट्टियाँ पढ़ाई होंगी है ना? ऐसा कुछ नहीं जैसा आप समझ रहे, मैं तो उमर से बहुत प्यार। खामोश, खबरदार जो मुझसे झूठी हमदर्दियां जताई दो। क्यों चीख रही हैं आप, इस पर क्या हो रहा है ये? इस पे ना चिल्लाओ क्योंकि ये तुम्हारी बीवी है और मेरे बेटे का क्या? हाँ देखा ना कैसे डरा सा खड़ा था जहांगीर के आगे,
न जाने क्या हाल करेगा वो, घर ले जाकर उसका सोचा है कभी? मैं खुद बात करूंगा जहांगीर से आपी, बोलूंगा उसे कि मारपीट नहीं चलेगी। अच्छा उस वक्त तो बोले नहीं, अब क्या समझाओगे? झूठी तसल्लियां मत दो मुझे, तुम दोनों झूठी हमदर्दियां जता रहे हो मुझसे, ये भी और तुम भी। ये आपके लिए खाना लाई है, ठीक हो तुम? जाओ कमरे में जाओ। दूसरों का गुस्सा उस पे चीख कर चिल्ला के मत निकाले आप। क्या मतलब है तुम्हारा? आप अच्छी तरह जानती हैं कि मेरा मतलब क्या है आपी। मैं हमेशा आपकी हर बात पे आपके साथ डट कर खड़ा रहा हूँ, लेकिन अफशा के मामले में बाकी कोई बात बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं, और आपकी किसी गलत बात पे आपका साथ भी नहीं दूंगा। अल्लाह क्या हो गया आपी को? क्या हुआ? भाभी अभी आपी के कमरे में खाना लेकर गई, अभी खूब चीखी और चिल्लाई है भाभी पर। क्या हो गया आपी को? कम से कम भाभी की हालत देखनी चाहिए थी उनको। साकी भाई भी चले गए थे, उन्होंने भी खूब सुनाई है आपी को। तुम उनकी बातें सुन रही थी? नहीं हसन, मैं तो किचन में थी, अचानक से इतना शोर हुआ तो मैं परेशान होकर बाहर निकली, आवाजें लाउंज तक आ रही थी। साकी भाई ने सख्ती से समझाया आपी को, पता नहीं वो समझती भी है या नहीं। साकी भाई को आपी से सख्ती से बात नहीं करनी चाहिए थी, समझाना चाहिए था उन्हें। आप ही अपने बेटे को लेकर बहुत परेशान है। बात सिर्फ बेटे की नहीं है सर, आप ही दिलावर भाई की तरफ से भी बहुत बेखबर हो गए हैं। दिलावर भाई की कॉल आई थी मेरे नंबर पर, कह रहे थे कि मैं आप ही से उनकी बात करवाऊं। दिलावर की कॉल तुम्हारे पास? जी, उन्होंने अपना नंबर मुझे खुद दिया था और कहा था कि तुम मेरी बहन की तरह हो, अगर किसी भी चीज की कोई जरूरत हो तो मुझे बता देना। और तुमने क्या कहा? मैंने उन्हें साफ कह दिया सन, चीजों की जरूरत नहीं हमें, बस आप मेरे और हसन की अच्छी जिंदगी के लिए दुआ करते। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रख के बहुत दुआएं दी हसन। लेकिन आपको पता है, दिलावर भाई की मेरे नंबर पर कॉल आने की वजह से आप ही ने बहुत बड़ी आफत खड़ी कर दी थी। मैंने तो आप ही को उसी वक्त कह दिया था कि मैं दिलावर भाई का नंबर फौरन डिलीट कर देती हूँ, लेकिन पता नहीं उन्होंने क्यों मना कर दिया। बहरहाल तुम दिलावर से आपी के खिलाफ कभी कोई बात नहीं करोगे। सन मैं पागल नहीं हूं, अब तो रिश्तों की अहमियत को मैं भी अच्छी तरह से समझ चुकी हूँ। अब तो मैं भी यही चाहती हूँ कि आप ही दिलावर भाई के साथ एक बहुत अच्छी जिंदगी गुजारें, हमेशा खुश रहें। आमीन। आप ही को अपने बच्चे के लिए इस तरह तड़पता देखकर रहम आ रहा हूं पर। हसन, उमर तो पहले भी अपने बाप के साथ ही रहता था ना, और आज अचानक से आप ही का उमर के लिए यूं बेचैन होना कुछ समझ नहीं आ रहा। उमर ने जो आज हरकत की है वो कोई छोटी हरकत नहीं है। उमर को आज समझा लिया जाए तो वो कल कुछ बड़ा करने की हिम्मत नहीं करेगा। मैं सोच रहा था कि इस एज में हम भी ऐसी हरकतें करते थे, लेकिन दिल में मम्मी का खौफ होता था, और जब मम्मी को पता चलता था तो डांट भी बहुत पड़ती थी, लेकिन हम सॉरी करके मामले को खत्म करते थे और कोशिश करते थे आइंदा मम्मी को शिकायत का मौका ना मिले। लेकिन आप ही और उमर का मामला बिगड़ता जा रहा है,
तुम्हें अभी के मामला में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जानते हो ना तुम्हारे लिए कितनी मेहनत करता हूं मैं। हर वक्त मुझे तुम्हारे फ्यूचर की फिक्र लगी रहती। ऑफिस में होता हूं तब भी तुम्हारा ख्याल होता है। पता नहीं उमर ने खाना खाया होगा या नहीं, ठीक से सोया है नहीं सोया, कोई परेशानी तो नहीं है। और तुम्हें किसी की परवाह ही नहीं है। जो दिल चाहता है, जिस तरह की बदतमीजी तुमने करनी होती है तुम करते हो। और आज क्या हरकत की है तुम? अगर वो आदमी मर जाता तो सारी जिंदगी तुम अपने आप को माफ नहीं कर पाते, सुकून से जी नहीं सकते थे तुम। किस किस्म के दोस्त बना रखे हैं तुमने, और अब घर से बाहर तुम बगैर बताए जाने लगे हो। तुम्हारी मां मुट्ठी भर भर के तुम्हें पैसे देती है ताकि तुम अपने दोस्तों के साथ अयाशियां कर सको, लेकिन यह बात भी मैं अच्छी तरह जानता हूं कि इतने पैसे तुम्हें वो कभी नहीं देगी। सच सच बताओ मुझे, झूठ मत बोलना। चोरी की है ना तुमने? चोरी नहीं किए थे। तो फिर? दिलावर अंकल ने दिए थे। तुमने उससे पैसे लिए? मैं नहीं ले रहा था, उन्होंने जबरदस्ती मुझे दे दिए। तो वापस क्यों नहीं किए तुमने उसे? इसलिए ना कि तुम अपने दोस्तों के साथ उड़ा सको उन पैसों को? हाँ, दोस्तों के साथ पैसे उड़ाने थे, ऐयाशी करनी थी मुझे। मैं चोरी भी कर सकता था। आपको मेरे पर जो इल्जाम लगाने ना, आप लगाएं। मैं बुरा था और मैं बुरा रहूंगा। आप लोगों ने मुझे क्या समझ रखा है? मैं कोई चीज हूँ? कोई इधर से खींचता तो कोई इधर से, और आप लोगों की लड़ाई मुझसे बर्दाश्त नहीं होती है। बाबा आप जाए यहाँ से, वरना मैं यहाँ से चले जाऊंगा। जाए यहाँ से, जाए। उमर, क्या हुआ तुम? तबीयत ठीक है? साकिब, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, ऐसा लग रहा है वोमिट हो जाएगी। अच्छा अच्छा, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। मैं बिल्कुल भी नहीं चल सकती, मुझ में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। तुम्हें तो मैं लेके जाऊंगा ना। चलो उठो, शाबाश, चलो आओ, उठो आराम से। मुझे पता है ये सब आप ही की वजह से हुआ है, मुझे भी उन पर बहुत गुस्सा है, लेकिन इस तरह अपने आप के साथ नहीं कर सकते। चलो आओ, हिम्मत करो, शाबाश, जल्दी आओ, आओ आराम से। हसन, सब ठीक हो जाएगा, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? सब कुछ कितना अच्छा जा रहा था, अभी तो भाभी की खुशखबरी के बाद बेबी आने से पहले ही घर में इतनी रौनक लगी हुई थी और सारे घर का माहौल खराब हो गया। आप ही की वजह से हर कोई डिस्टर्ब होकर रह गया। आराम से भाई, सब ठीक तो है ना? भाभी की तबीयत ठीक है? भाभी आप ठीक नहीं लग रही। इसको डॉक्टर के पास लेके जाओ। क्या हुआ अफशा को? ना पीला जर्द चेहरा हो रहा है इसका। अगर आपको उसकी कंडीशन का इतना ही ख्याल है तो इस घर में टेंशन डालना बंद करें, तबीयत खराब ही होगी ना इसकी फिर। मैं तो जो करती हूँ उसके भले के लिए करती हूँ। तुम सबको मैं अपनी औलाद की तरह समझती हूँ, और एक माँ के दिल को तुम लोग समझ नहीं सकते। मैं तो हमेशा अपना का भला चाहती। खैर, अभी उसकी तबीयत ठीक नहीं है, चलो उसको हॉस्पिटल लेके चलते हैं, बाकी बातें रास्ते में करेंगे। आप रहने दे, प्लीज प्लीज, मैं ले जाऊंगा इसे। भाभी की तबीयत देखिए आप, इन दोनों में से किसी एक का साथ होना बहुत जरूरी है भाई। हसन ठीक कह रहे हैं भाई। चलो ठीक है, तुम चलो मेरे साथ, चलो आराम से, आराम से। साकिब को देखा तुमने? ये साकिब कैसे दूर कार कर चला गया मुझे? देखा तुमने सर? ये जानते हुए भी
कि मैं उम्र से बढ़कर ख्याल रखती हूँ तुम लोगों का, जान देती हूँ तुम लोगों पर। मेरे नजदीक ना कभी जहांगीर अहम था ना दिलावर है, मेरी कुल कायना तुम दोनों भाई हो, माँ की तरह चाहती हो तुम दोनों को, फिर भी वो मुझे इस तरह से। आप ही आप गलत करती हैं, आप ये नहीं सोचती कि आपकी तलख बातों की वजह से किसी के दिल पे क्या गुजरेगी। हाँ तो ठीक है ना, कभी 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 गलती हो जाती है मुझसे, पागल समझकर माफ कर दिया करो, दरगुजर कर दिया करो। माँ की तरह प्यार करती हो तुम दोनों को, क्यों नहीं समझते ये बात, औलाद की तरह हो तुम लोग मेरे। आप संभाले खुद को प्लीज। हसन अगर आज अम्मी जिंदा होती और साकिब उनके साथ ये हरकत करता तो क्या गुजरती उनके दिल पर? अगर अम्मी आज होती तो इस तरह की हरकतें नहीं कर रही होती जो आप कर रही हैं। हम सब डर गए हैं, भाभी भी खौफजदा हैं आपसे। वो तो अच्छा हुआ कि हम दोनों भाई घर पर थे, वरना भाभी और गुल को दोनों को वैसे ही धक्के देती जैसे हम दोनों भाइयों को दिए थे आपने। आप ही मान जाए कि आप गलत करती हैं। बस कर दो हसन, इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अफशा का चेहरा मेरी नजरों के सामने घूमता है। दुआ करो कि अल्लाह पाक उसकी गोद भरी रखे, खैर खैरियत से उसका बच्चा इस दुनिया में आ जाए। मैं तो सिर्फ साकिब और अफशा की खुशियों की दुआएं मांगती हूँ कि अल्लाह पाक उनको खुशियां दे। आमीन। संभाले खुद को और जाके अपने कमरे में रेस्ट कर। बिला वजह बात का बतंगड़ बना दिया इन लोगों ने, मुझे तो वैसे भी निकलकर अपने बच्चे के पास जाना था। पता नहीं क्या सलूक कर रहा होगा मेरे बेटे के साथ जहांगीर। जिंदगी में ऐसी परेशानियां, ऐसी आजमाइशें आती हैं बेटा, लेकिन इनको समझदारी से और सब्र से पार करना ही जिंदगी है। मैं नहीं जानता था कि मेरा बेटा मुझसे इतना दूर जा चुका है। नहीं बेटा, वो तुमसे दूर नहीं है, बस थोड़ा सा जज्बाती है, लेकिन तुम्हारा प्यार, तुम्हारी तवज्जो उसको तुम्हारे पास ले आएगा और ये दूरी खत्म हो जाएगी। तुम हौसला करो बेटा, अल्लाह से दुआ करो और अल्लाह पे इस यकीन को टूटने ना देना। उमर के दिलो दिमाग में बहुत सारी बातें हैं, जो गलतियां और जज्बाती फैसले मैंने और गौहर ने किए उनका बहुत गहरा असर हुआ उसके दिमाग पर। शायद वक्त भी कभी उस असर को खत्म ना कर पाए। बहुत परेशान हूं, नहीं समझ आ रहा क्या करूं। हिम्मत से काम लो बेटा, अपने बेटे की खातिर खुद को संभालो। अपने बेटे के लिए बेटा, उसकी सारी जिंदगी तुम्हारे सामने पड़ी और एक जिम्मेदार बाप सब कुछ करता है अपनी औलाद के लिए। तुम अपने अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह से मदद मांगो, तुम देखना जरूर कोई ना कोई बेहतर रास्ता निकल आएगा। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बेटा। आपके जाने के बाद बहुत रोई आपने, भाभी के लिए फिक्रमंद हो रही थी। वो तो इसलिए क्योंकि वो जानती हैं कि अफशा की इस हालत की जिम्मेदार वो खुद ही हैं। और रही बात उनको डॉक्टर के पास लेके जाने की, तो हसन सच तो ये है आप ही अब हमारी नहीं दिलावर की जिम्मेदारी है। सोया है नसीबा रब्बा ऐसी है जुदाई वे।
आपकी इतनी हिम्मत कि मुझे छोड़ के गुल को ले गया। देख रही हूँ मैं, देख रही हूँ, अफशां के लिए इतनी बातें सुनाई मुझे, ये दोनों भाई मिलकर मुझे बेइज्जत कर रहे हैं और अपनी अपनी बीवियों को सरों में बिठा लिया है। मेरी कोई वक्त नहीं रही इनकी बीवियों के सामने, इतनी बेइज्जती करते हैं लोग मेरी, मैं अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, ऐसी की तैसी कर दूंगी सबकी, ऐसी की तैसी कर दूंगी। तुमने तो मुझे मरवा ही दिया था, शुक्र करो कि मेरे बाबा का फोन बंद था, पर उन्हें पता चल जाता ना कि मैं बाहर निकलकर ऐसी हरकतें करता हूँ तो कसम से मुझे जान से मार देते, नहीं तो पंखे पर उल्टा तो लटका ही देते। और तुम्हारे साथ क्या हुआ? क्या होगा, कुछ नहीं। पुलिस स्टेशन में तो तुम्हारे बाबा का चेहरा देखकर ये लग रहा था वो तुम्हें बैट से इतना मारेंगे कि बैट ही तुम पर टूट जाएगा पूरा। मतलब तुम बैट से मार खा चुके हो? हाँ, तभी तो इतना मजबूत हूँ, किसी चीज का असर ही नहीं होता मुझ पे। मजबूत का ढीठ। अच्छा ये बताओ कल का क्या प्लान है? जैसा तुम कहोगे वैसे ही होगा। मतलब जाने के लिए तैयार हो? ऑफ कोर्स। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तुम्हारे बाबा क्या इजाजत दे देंगे? इजाजत कौन मांगेगा, मैं तो ऐसे निकल के आ जाऊंगा। अगर उन्हें पता चल गया तो? चलने दो, पता क्या बिगाड़ लेंगे मेरा। अब आए ना सही रास्ते पे, खूब दोस्ती जमेगी हमारी। कुछ देर बात ले टूर, अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गुल थैंक यू। किस चीज का? तुमने मेरा इतना ख्याल रखा, मुझसे अच्छी अच्छी बातें की, तुम मेरे साथ गई, मैं बहुत रिलैक्स हो गई हूँ। अब आप बेहतर हैं, रिलैक्स हैं, तो मुझे खुशी हो रही है। एक बात पूछूं आपसे? पूछो। क्या आप हमेशा से ऐसी ही थी, यही भोली भाली, डरी सहमी और डरपोक सी? बहुत मुख्तलिफ थी, बहुत स्ट्रॉन्ग थी, बहुत बहादुर थी। बुरा मत मनाइए, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा। खैर अब आप आराम कीजिए, किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुला लीजिए। क्या बताया डॉक्टर ने, सब ठीक है ना? भाभी का बीपी हाई हो गया था। आपी आई एम सॉरी, ये परेशानी में तुम्हारी हालत का ख्याल ही नहीं रहा मुझे। तुम संभालो खुद को, ठीक हो जाओ जल्दी से। बेहतर हूँ आपी। उमर की टेंशन में न जाने साकिब और हसन को भी क्या क्या कह दिया मैंने। कोई बात नहीं आपी, घरों में तो ऐसी बातें हो ही जाती हैं, और मेरे ख्याल से तो भाई बहनों को एक दूसरे की बात का बुरा मनाना भी नहीं चाहिए। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ तुमसे, शायद तुम्हारा बीपी मेरी वजह से ही हाई हुआ, मगर मैं क्या करूं, माँ हूं ना। तुम जब माँ बनोगी तो शायद मेरी सिचुएशन को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सको, फिर शायद तुम्हें मेरी बातें बुरी भी नहीं लगेंगी। ख्याल रखना इसका। जी आपी। Thank you.
आप क्यों इतनी टेंशन लेती हैं आपकी? ऐसे भी कोई बात नहीं। तो फिर पहले की तरह स्ट्रॉन्ग और बहादुर हो जाएं, तो देखिएगा जिंदगी आसान हो जाएगी। भाई मुझे लगता है आप ही की मेंटल कंडीशन फिर से खराब हो रही है, मुझे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। भाई ऐसा सोचना भी मत। भाई आप ही अपनी हालत की वजह से परेशान रहती हैं और हमें भी करती हैं। आपके जाने के बाद बहुत रोई आप ही, भाभी के लिए फिक्रमंद हो रही थी। वो तो इसलिए क्योंकि वो जानती हैं कि अफशा की इस हालत की जिम्मेदार वो खुद ही है, और रही बात उनको डॉक्टर के पास लेके जाने की, तो हसन सच तो यह है आप ही अब हमारी नहीं दिलावर की जिम्मेदारी है, और मुझे नहीं लगता यह बात दिलावर को अच्छी लगेगी। यहाँ मसला उमर का है भाई, उसके साथ गलत हो रहा है, उसकी तरबियत गलत हो रही है। उमर के बारे में तो मैं भी इस नतीजे पे पहुंच चुका हूँ कि अब उसका जहांगीर के साथ रहना ही सही है। आप ही उमर से बहुत प्यार करती हैं, शायद खुद पर कंट्रोल नहीं रख सकती और यही उनकी मजबूरी है। ठीक, मुझे लगता है हम दोनों को आप ही से खुलकर बात करनी होगी, और उमर की बेहतरी की खातिर उन्हें बहुत कुछ समझाना होगा और उनके गुस्से को भी बर्दाश्त करना। वो तो है। हाय उमर। उमर, तुम्हें पता है मैंने अपने फोन में ना बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियो गेम्स की है, तो मैं क्या करूं? अगर आपको चाहिए तो मेरा फोन ले सकते हो। मुझे गेम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। चलो आप मुझे ये बता दो कि आपको कौन सी गेम्स पसंद है, ताकि वो भी डाउनलोड कर लूं मैं। आप मुझे अभी भी बच्चा समझती हैं? इतने प्यारे से क्यूट बच्चे तो हो आप। मुझे फजूल बातों का शौक नहीं है। आप जाएं यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दें। अच्छा छोड़ो, पता है तुम्हें अम्मी ने ना आलू कीमा और साथ में पराठे बनाए। मौसम कितना अच्छा हो रहा है। मैं ऐसा करती हूँ कि मैं नीचे से ना खाना ऊपर लेके आती हूँ और हम आपके कमरे में बैठ के खाते हैं, ठीक है? मुझे नहीं खाना। दिया फोन? उमर क्यों कर रहा है ऐसी हरकतें? क्यों बार बार कॉल कर रही हैं आप? मैं तुम्हारे लिए परेशान हूँ बेटा। मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप दोबारा कॉल की ना, फोन उठा के फेंक दूंगा मैं। उमर, आज पहली बार उमर ने इतनी बदतमीजी से बात की मुझसे, फोन बंद कर दिया मेरे मुंह पर। जहांगीर ने इसके दिल में मेरे खिलाफ जहर तो भर दिया था,
अब और नफरत डाल दी है। साकिब हसन के सामने निकल कर गई तो उन्हें बातें बनाने का मौका मिल जाएगा। सुबह होते ही जाऊंगी उमर के पास, लेकिन सुबह कब होगी? सुबह कैसे गुजरेगी ये रात? जहांगीर बेटा बैठ जाओ, थक जाओगे बेटा। आप ही तो कह रही थी कि उसने नाश्ते के बाद से कुछ नहीं खाया। सुंदस गई है ना उसके पास, मना लेगी उसे, तुम्हें पता है उसको वो मना नहीं करता। क्या हुआ, क्या कह रहा है? बोल रहा है कि मुझे भूख नहीं है, नहीं खाएगा। क्या मतलब भूख नहीं है? कुछ खाएगा नहीं तो तबीयत और खराब होगी। मैं उसका फेवरेट बर्गर ऑर्डर कर देता हूँ, आप लोग खाना खा लें, मैं उसके साथ खाऊंगा। जहांगीर प्लीज, आप परेशान नहीं हो, वो खा लेगा खाना। मैं ऑर्डर करता हूँ। अपने लिए माँ बाप की तड़प औलाद को बहुत देर से महसूस होती है, तुम्हें पता है कब? कब? जब वो खुद माँ बाप बन जाते हैं। आपको पता है अम्मी, जब वही माँ बाप या फिर बड़े बुजुर्ग उसी औलाद के लिए दुआ करते हैं ना, तो बहुत समझदार बन के, खुशियों की हार बन के उनके इर्द गिर्द घूमते हैं। और आप देखिएगा, इंशाल्लाह उमर भी इन सब चीजों से बहुत जल्दी बाहर निकल आएगा और हम सबको बहुत अच्छा इंसान बनकर दिखाएगा। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। खुद को समझाती हूँ, बहुत मजबूत बनने की कोशिश करती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों जब आपके सामने आती है मुझे बहुत घबराहट होती है। अफशा, तुम्हारे दिमाग में जो कुछ भी है उसे निकाल दो। आप ही तुम्हारी दुश्मन नहीं, तुम्हें उनसे डरने या घबराने की कोई जरूरत नहीं। वो कह रही थी कि उम्र की वजह से बहुत डिस्टर्ब रहती हूँ। सही है, तुम खुद देखो उम्र ने जो हरकत की है वो बिल्कुल भी छोटी नहीं है। अफशा, उनका बेटा बिगड़ रहा है और सितम जरीफी ये है कि उसके माँ बाप आपस में बैठकर उसकी बेहतरी के लिए बात तक नहीं कर सकते। बेशक वो हमारे सामने उमर की गलतियों का तस्करा ना करें, लेकिन उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है वो हम सोच सकते हैं। अफशा, एक बार पहले भी वो उमर के लिए अपने होशो हवास खो चुकी हैं, और मैं और हसन नहीं चाहते कि आप ही के साथ दोबारा ऐसी कोई भी बात हो। पता है हसन मुझे क्या कह रहा था? कह रहा था कि जब तुम हॉस्पिटल गई तो आप ही बहुत परेशान हुई, तुम्हारे लिए रोई, हमारे बच्चे के लिए इतनी दुआएं की। अब बस तुम भी पिछली सारी बातें भूल के खुश रहो, आप ही के साथ अच्छी तरह बात करो, अपना अच्छा वक्त गुजारो। मेरे लिए तुम्हारी खुशी अहम है, हमारा ये बच्चा अहम है। उमर, बस खत्म करो बेटा, निकाल लिया ना तुमने अपना गुस्सा। इंसान से गलती हो जाती है, जानता हूं मैं,
एक बात को बार बार दोहराने का क्या फायदा, बस कोशिश ये करनी चाहिए कि गलती रिपीट ना हो। ये देखो मैं क्या लाया हूं तुम्हारे लिए, सुबह नाश्ते के बाद से तुमने कुछ नहीं खाया, खा लो, भूख लग रही होगी। ये लो, शाबाश। बेटा देखो हर चीज का एक वक्त होता है, हर चीज अपने वक्त पर ही अच्छी लगती है। कोई हादसा भी तो हो सकता था, उस वक्त तुम्हारे पास लाइसेंस नहीं था, खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता तो। अब आप मुझे फिर से गुस्सा दिला रहे हैं। नहीं, मैं तुम्हें सिर्फ इतना समझा रहा हूँ कि बाप बेटा होने के साथ साथ हम अच्छे दोस्त भी तो बन सकते हैं, बल्कि हम तो हैं बहुत अच्छे दोस्त। मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई, मुझे आपको डांटना नहीं चाहिए था, गुस्सा नहीं करना चाहिए था, प्यार से बात करनी चाहिए थी। आइंदा मैं एहतियात करूंगा कि ऐसा ना हो, लेकिन एक वादा करो मुझसे, आइंदा जब भी कहीं बाहर जाओगे मुझे बता कर जाना। बस मैं खा लूंगा, अब जाए। अच्छा बाबा के हाथ से एक बाइट ले। अब मैंने खा लिया ना, आप जाएं। आप उठ गई, आप जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठे, मैं आपके लिए नाश्ता बनाकर लाती हूँ। अफशा ने नाश्ता कर लिया? जी, उन्हें तो मैंने सुबह ही नाश्ता दे दिया था। काफी जिम्मेदारियां उठाने लगी हो तुम। अपनों की जिम्मेदारियां उठाने का अपना ही मजा, आप ये बात तो आप मुझसे ज्यादा समझते होंगे। काफी एतबार करने लगे हैं सब तुम पर, भरोसा जीत लिया है सबका तुम। अच्छी बात है ना, और आप ही सच पूछें तो सब कुछ आपकी वजह से। मेरी वजह से? वो कैसे? आपने तो कहा था मुझे कि मैं सबके साथ प्यार से रहूं, मोहब्बत से रहूं, किसी को शिकायत का मौका ना दूं, हसन का ख्याल अपने दिलो जान से रखूं, बस वही कर रही हूँ मैं। अच्छा तो फिर तुम अफशा के साथ डॉक्टर के पास क्यों गई? मैंने तो तुम्हें नहीं कहा था। भाई ने कहा तो मैं इनकार नहीं कर सकती। तुम ये भी तो कह सकती थी कि आप ही बड़ी हैं, आप ही को जाना चाहिए। आइंदा ऐसी नौबत आएगी तो जरूर कह। तुम कितनी मक्कार हो, ये मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। तुम हसन, साकिब और अफशाओं को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से बेवकूफ बना सकती हो, गौहर को नहीं। आगे देखती जाओ गौहर बेगम, करती क्या हूं मैं तुम्हारे साथ।